अरे ये क्या बिजली चोरी कर रहे हो? नहीं सर, मैं बिजली चोरी नहीं कर रहा। कल रात से हमारी बिजली में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं वही ठीक कर रहा था बस। कपिल इसको बता मीटर में कितने तार होते हैं? मीटर में दो तार होते हैं, आउटपुट और इनपुट। फिर ये तीसरा तार कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये चोरी कर रहा है मीटर से। अगर तुम्हारी लाइट में खराबी है तो लाइन मैन को कंप्लेंट करते, वो आके ठीक करवा के जाता। तुम क्यों मीटर के साथ छेड़खानी कर रहे हो? अरे सर, छोटा सा ही तो काम था, तो इसमें लाइन मैन को क्या बुलाता मैं? सर छोटा सा काम नहीं, ये कितना बड़ा घपला करके बैठा है। घर देखो कितना बड़ा है, कम से कम 5-10 एसी चलते होंगे, 5-10 फ्रिज। सर ये तो बहुत बड़ी चोरी कर रहा है, कम से कम 4-5 लाख की पेनल्टी बनती है इसके ऊपर। 4-5 लाख रुपए की पेनल्टी और 6 महीने की सजा होगी तुम्हें अब। सर देख लो, कुछ ले दे के हो जाए तो कुछ कम कर लीजिए सर पेनल्टी। ले दे के कोई परचूने की दुकान है? बिजली चोरी का मुकदमा चलेगा तुम्हारे ऊपर। 4-5 लाख रुपए की पेनल्टी और मुकदमा भी होगा? सर मुकदमा तो आप पे भी होगा। हम पे मुकदमा चलेगा? सर मेरा हाथ छोड़ो, आप मुझे छेड़ रहे हो सर। अरे सर मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? रोहित पुलिस के पास फोन करो, ये मुझे छेड़ रहे हैं। हमने कहाँ छेड़ा है मैडम आपको? अरे मैडम पागल हो गया? सर मुकदमा हम पे नहीं आप पे चलेगा। हेलो हेलो पुलिस। अरे आज बिजली बोर्ड वाले हमारे थाने में कैसे? सर मैं बताता हूँ। क्या? मैं बताती हूँ सर। एक तो ये दोनों बिना परमिशन के पहले मेरे घर में घुस गए रीडिंग लेने के बहाने, फिर इन दोनों ने मुझे छेड़ा, और जब मेरे पति ने इन्हें रोका तो इन्होंने मेरे पति के साथ मारपीट करी। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक तो बिना परमिशन के किसी के घर जाते हो, ऊपर से उनकी औरतों को छेड़ते हो। सर हमने इस लड़की को नहीं छेड़ा, झूठ बोल रही है। सर इन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैंने छेड़छाड़ वाली बात किसी को बताई तो मुझे बिजली चोरी का मुकदमा लगाएंगे और 5 लाख का जुर्माना भी। सर इनके घर की रीडिंग बिल्कुल 0 आई थी, जिससे ये साबित होता है कि ये लोग बिजली की चोरी कर रहे थे, और इनके ऊपर पूरे 4-5 लाख की पेनल्टी बनती है। सर पेनल्टी से बचने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है ये। तुम लोगों ने बोला नहीं था 5 लाख रुपए का मेरे से? हाँ सर मांगे थे, लेकिन वो सर देखो हामी भर रहे हैं, हाव कर रहे हैं लोग। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बिजली चोरी कर रहे थे? सर हम जिस घर में भी रीडिंग लेने या छापा मारने जाते हैं पहले हम अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। हमने खुद इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है बिजली चोरी करते हुए, ये देखिए। अरे यार थोड़ी जल्दी तार लगाओ वरना कोई देख लेगा। ये क्या बिजली चोरी कर रहे हो? रंगे हाथों पकड़े गए आज तो तुम। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक तो तुम बिजली चोरी करते हो और जब तुम पकड़े जाते हो तो इनके ऊपर झूठा दोष लगाते हो कि इन्होंने तुम्हें छेड़ा, तुम्हारे साथ बदतमीजी की। अबे तुझे भी शर्म आनी चाहिए, तू अपनी घरवाली का गलत में साथ दे रहा है और थाने में कंप्लेन लिखवाने आ गया तू इसके साथ। पहले तो तुम लोग अधाधुंध बिजली यूज करते हो, जब तुम्हारा बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है तो तुम डायरेक्ट चोरी करते हो, मीटरों को जला देते हो। सॉरी सर हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। इसकी तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, इसका तो तुम्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा और साथ में सजा भी। अल्लाह टिंगू। जी जनाब। इनके नाम की फाइल बना और इनको अंदर कर दे। चलो भाई अंदर। सॉरी सर। ये लो सर अपना फोन।